नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी अरुणिमा का पाठ 5, जीवन मकड़ी का जाल। कविता के माध्यम से उन मासूम बच्चों के अधखिले बचपन को बयां किया गया है जो काम के बोझ तले दबकर ख़त्म हो जाता है। इस पोएम में उन मासूम छोटे बच्चों के बचपन को बयां किया हुआ है जो छोटे उम्र में ही काम के बोझ के तले ख़त्म हो जाता है अपना उनका सारा बचपन। नौकर हूँ ऐसा मतवाला, उम्र अभी मेरी 10 साला। मैं नौकर मतवाला मतलब नौकर मस्त नौकर हूँ, मेरी अभी उम्र 10 साल की है। खींच रहा हूँ बचपन को मैं फटा हुआ सारा 2 साला। वो अपने बचपन को खींच रहा है और फटे हुए कपड़ों में। बचपन पूरा काला काला, तरस न खाते मोटे लाला। बच्चे का बचपन जो है वो सारा अंधकार में चला गया है, सारा जीवन उसका बचपन काला काला हो गया है और उस पर मोटे लाला भी तरस नहीं खाते, उसका बालिक भी तरस नहीं खाता। रात दिन काम करूँ मैं फिर भी समझे गद्दा नाला। दिन रात वो काम करता है फिर भी उसको गद्दा नाली का कीड़ा समझा जाता है। धर्म कर्म लाजी करते फिर भी रोज मिलावट करते। धर्म कर्म का काम करते हैं मतलब वो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं पर फिर भी वो रोज मिलावट करते हैं, कौन? मोटे लाला। मेरा पेट ना भरता पूरा, रोटी गिनते मोटे लाला। वो क्या कह रहा है कि मेरा पेट भरता नहीं है और वो रोटी गिन के मेरे से मुझे पूरी रोटी भी नहीं देते और मेरा रोटी गिनते। दिन में काटे मोटे लाला, रोज रात मच्छर बतवाला। दिन में तो मोटे लाला उसका बालिक उसे परेशान करता है और रात को उसे मच्छर काटते हैं। चैन नहीं है जीवन में, अब जीवन है मकड़ी का जाला। अब उसके जीवन में कोई चैन नहीं है, उसका सारा जो बचपन है वो ख़त्म हो गया है और जीवन वो क्या कह रहा है, मकड़ी का जाला है। इस चैप्टर में छोटे बच्चों की बात की है जो अपने बचपन में ही शुरू हो जाते हैं काम करना और अपना बचपन सारा ख़त्म कर देते हैं। धन्यवाद।